भाजपा विधि व्यवस्था को मुद्दा बनाकर शासन को घेरने में जुटी रहती है। भाजपा का कहना है कि जमशेदपुर में विधि व्यवस्था पटरी पर नहीं है, अपराध का बोलबाला हो चला है, अवैध कारोबार फल फूल रहे हैं, नशे के कारोबार का जाल पूरे शहर में फैल गया है, युवा वर्ग नशे के दलदल में फंस रहे हैं, कारोबारी मोटी कमाई कर रहे हैं, इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो हालात आगे ज्यादा बिगड़ जाएंगे। भाजपा की टीम ने बुधवार को थानों में दस्तक दी है, साथ ही थाना प्रभारियों का ध्यान भी खींचा है। कहा है कि हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन का विकल्प अपनाया जाएगा। कदमा और सोनारी भाजपा मंडल ने कदमा थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में इलाके में चल रहे अवैध कारोबार की चर्चा करते हुए कहा गया है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, आम लोग हलकान हैं, अब तो मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आधा दर्जन मंदिरों में भी चोरी की घटना हो चुकी है। घरों में चोरी की शिकायत करने पर घरों में पर्चे फेंक कर डराया जाता है। चोर यह एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि उसे पुलिस का भय नहीं है। चोरी की शिकायत करने पर घरों में पत्थरबाजी तक हो जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।